आपके 11th 12th वो साल हैं जहां पे आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हो, ठीक है, आप अपना एक एटीट्यूड बिल्ड करते हो, आप एक फाइटर स्पिरिट लाते हो, आप अंदर का वॉरियर बिल्ड कर रहे हो कि यार मेरे को जिंदगी में ये चीजें करनी है, छोटा नहीं बड़ा सोच, जिंदगी में मेरे को ये सारी चीजें करनी है। तो हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन अग्रवाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्लास 12th के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 100% कैसे फोड़ सकते हो। हाँ भाई, 100%। जब भी हम मैथ्स का नाम सुनते हैं ना यार, तो दो टाइप की भावनाएं होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि यस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आ गया। कुछ बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं कि यार मेरे 9वीं में ही अच्छे नहीं आए थे, 10वीं में ही अच्छे नहीं आए थे, 11वीं में ही अच्छे नहीं आए थे, तो अब मैं 12वीं में कहाँ से अच्छा स्कोर करूँगा। तो आज यार आपका यही मिथ तोड़ने में आया हूँ, ठीक है। पिछले यार 3 साल से आप मेरा 4th बैच हो, काफ़ी सारे बच्चे इस चैनल पे आए हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कुछ लेके गए हैं। मैं चाहता हूँ आप भी वो चीज़ लेके जाओ। और सबसे बड़ा जो चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ यार, वो है सोच में फ़र्क, ठीक है। एक बच्चा जो 97% ला रहा है, एक बच्चा जो 92% ला रहा है, एक बच्चा जो 85% ला रहा है, इनकी मेहनत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता यार, पर इनकी जो थिंकिंग होती है ना, जो कॉन्फिडेंस होता है अंदर से कि मैं लेके आ जाऊंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं कर सकता हूं, इसमें ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। आपने काफी बार नोटिस भी किया होगा, कुछ बच्चे होते हैं सेकंड में टॉपर, थर्ड क्लास में टॉपर, फोर्थ क्लास में टॉपर, फिफ्थ क्लास में टॉपर, सिक्स क्लास में टॉपर, 10th में भी टॉपर है। कुछ बच्चे पहले भी 60% आए, अब भी 60% आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी 60% आ रहे हैं, वो उसी पर रह जाते हैं। होता क्या, आप अपना कंफर्ट जोन बना लेते हो एक, ठीक है, कि यार मेरे तो हमेशा से 80% आए हैं, तो इस साल भी 80 आ गए, मतलब मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैं अपने स्टैंडर्ड पे खड़ा हो गया। वो 95% की सोचता ही नहीं है, बच्चा सोच ही नहीं रहा है। मैक्स टू मैक्स काफ़ी बच्चे कहते हैं भैया मेरे को बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है। अरे यार, 95% का गोल लेके चलोगे तो कहाँ से आएंगे यार। गोल रखो 97% का, 98% का, 100% फोड़ने का, ठीक है, तब जाके 95% पाएंगे, तब जाके 96% आएंगे। और चाहे आज मैं खड़ा होके आप सबके सामने बोल रहा हूँ, और आपके सीनियर्स को भी बोला था, ठीक है, कि चाहे आपके 50% आए हों, चाहे आपके 60% आए हों, चाहे आपके 70% आए हों, चाहे आपके 80% आए हों, चाहे आपके दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, फोर्थ क्लास, सिक्स क्लास, एट्थ क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, कितनी भी पुअर परफॉर्मेंस रही हो, आप 12वीं के बोर्ड एग्जाम में 95% से ऊपर फोड़ सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सिर्फ 4-5 महीने, सिर्फ 4-5 महीने। ऐसे ऐसे सीनियर हैं, आपके नीचे कमेंट सेक्शन में कोई मिल भी जाएगा आपको बताता हुआ, 2-2, 2.5-2.5 महीने की प्रिपरेशन से 95% तक स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। पर हम उतने रिस्क तक नहीं ले जाएंगे, हम आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले बात करेंगे चेंज इन सिलेबस क्या हुआ है, आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, इससे हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी या जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते जाएं। फिर कौन सी रेफरेंस बुक साथ में पढ़ें, ठीक है, आरडी शर्मा पढ़ूं, एग्जाम्पलर पढ़ूं, अच्छा ये पढ़नी है तो पहले आरडी शर्मा पढ़ूं या एनसीईआरटी पढ़ूं, या दोनों को साथ में लेके चलना है। प्रीवियस ईयर कब प्रैक्टिस करने हैं, क्या पूरा एक साथ करूं या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करूं, ये सारे जो सवाल हैं, कितनी बार रिवाइज करना है, तो इन सब का यार जवाब आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चेंज इन सिलेबस के साथ। तो यार आपकी दो ही चीज़ें इस बार सिलेबस से डिलीट हुई हैं, पहला है आपका रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन पेज नंबर 19 एनसीईआरटी, ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड के भी बच्चे देख रहे होंगे, ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक आपका हटा है। साथ में प्रोबेबिलिटी में आपका पेज नंबर 572 पे एक और टॉपिक है आपका बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका डिलीट हुआ है, तो ये तो हट गए, चलो अच्छी बात है हट गए। तो अब चेंज इन एग्जाम पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और सीबीएसई क्या सोचता है, क्यों लाए भाई ये चेंजेस, क्या पिछले साल वाला थोड़ा अच्छा नहीं था। अब अगर हम इनके ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ें कि क्यों लाए, तो इसके पीछे सिंपल रीज़न ये दिया गया है कि भाई आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, और आपका बोर्ड एग्जाम पूरा थियोरेटिकल है, तो थोड़ी सी हम प्रैक्टिकल नॉलेज जोड़ देते हैं 20 नंबर की, और थोड़े से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जोड़ देते हैं जिससे कि फेमिलैरिटी हो जाए। पर ये भी रीज़न है, पर दो और रीज़न है।
अगर आप पिछले 4 साल के पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो सीबीएसई के 2 मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला मोटिव कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 100 में से 100 ले आते हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे 100 में से 100 लाएंगे तो कंप्लेन आती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम हुए बहुत आसान, सब बच्चे ला रहे हैं 100 में से 100, इतने हज़ार बच्चे लाए 100 में से 100। तो सीबीएसई वो भी नहीं चाहता। और दूसरा ये कि ज़्यादा बच्चे फेल ना हो जाएं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ना देना पड़े उन्हें, समझ रहे हो? तो फेल ना हो जाएं उसके लिए इन्होंने क्या किया, 20 नंबर का इंटरनल रख दिया। पहले 100 नंबर का पेपर आता था, अब 80 का है, बचे हुए 20 मार्क्स आपका स्कूल देगा आपको। और इसमें बाइफरकेशन किस हिसाब से है, 10 मार्क्स तो होंगे यार आपके स्कूल के एग्ज़ाम के बेसिस पे, 3 एग्ज़ाम होंगे आपके, एक जुलाई अगस्त में होगा, फिर एक आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, फिर एक आपका पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम होगा जिसे प्री बोर्ड भी बोलते हैं। उन तीनों में से जो बेस्ट 2 मार्क्स होंगे उनको 10 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है यार। फिर बचे हुए 10 मार्क्स बेसिकली आपकी मैथ्स की लैब के हो गए, ठीक है। इसमें आपकी NCERT की लैब मैनुअल आएगी जहाँ से पढ़ना है आपको, 5 मार्क आपके फाइल के, 2 मार्क आपके वाइवा के, और 3 मार्क आपका जो आखिर में एग्ज़ाम होता है उसके हो गए। अब इन 20 में से जैसे यार आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होंगे 30-30 मार्क्स के, तो रेयरली किसी बच्चे के 30 में से कम आते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं पढ़ का है 28 या 29 आ जाएंगे, आपने पेपर में चीटिंग कर ली तो 21-22 आ जाएंगे, समझ रहे हो? रेयर चांस होता है आपका पेपर कैंसिल हो गया, पर यू इसका मतलब ये नहीं है कि जाके चीटिंग कर लो, ठीक है। संघ की टीचर भी होते हैं यार, कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट क्या होता है यार, जब मार्क्स स्कूल के हाथ में होते हैं ना यार, स्कूल नहीं चाहता कि मेरे स्कोर नीचे जाए, ठीक है। प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल नहीं चाहते, और चाहे आप सरकारी स्कूल में हो तब भी यार वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे, आपका टीचर कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों के मैं, मेरे हाथ में अगर मार्क्स हैं तो मैं कम कर दूँ। तो ये 20 में से लगभग 20 ही मिलते हैं बच्चों को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल होंगे वो कम हो गए। पर हमारा गोल तो यार 95% से ऊपर स्कोर करने का है, तो ये पॉइंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है, किसी का भी नहीं है। कोई बच्चा यहाँ पे यूँ नहीं सोचेगा कि यार मैं 60% से खुश हूँ, मैं 70% से खुश हूँ, अरे मेरे तो बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, मेरा यार कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, फोड़ना है, फाइट करना है। आपके 11th 12th वो साल हैं जहाँ पे आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हो, ठीक है, आप अपना एक एटीट्यूड बिल्ड करते हो, आप एक फाइटर स्पिरिट लाते हो, आप अंदर का वॉरियर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। फिर जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे उसी एटीट्यूड के साथ आप चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीज़ें देखोगे, खुदाई करोगे, कहाँ आपका पैशन है, नहीं है, इंटरेस्ट है, नहीं है। तो ये 11वीं 12वीं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए नहीं है यार, आप अपने आप को भी ग्रो कर रहे हो। तो विजन हमेशा बड़ा रखना है, क्या विजन हमेशा बड़ा रखना है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि यार ये चेंजेस क्यों लाए गए हैं। पिछले साल का अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो 4 थे, अब करके ये 20 बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स के थे वो आपके 8 थे, जो अब 2 कम हो गए हैं। ये साथ में मैंने लिखा है +16, यहाँ पे 2 कम हुए हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन आपके 5 कम हुए हैं, और 6 मार्क वाले क्वेश्चन आपके 2 कम हुए हैं। अब होता क्या है यार, बच्चों के मार्क्स कहाँ कटते हैं, एक उस बच्चे की आप इमेजिन करने की कोशिश करो जिसकी प्रिपरेशन फुल है, 2-3 बार वो NCERT निकाल चुका है, इनफैक्ट 3-4 बार NCERT निकाल चुका है, 2-3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल चुका है, 1-2 बार RD Sharma निकाल चुका है, इस बच्चे को सब आता है। तो ऐसा बच्चा कभी भी यार 6 मार्कर या 4 मार्कर में उतनी गलती नहीं करता, क्योंकि 6 और 4 मार्कर आपको रट जाते हैं, आपके पेपर में वही क्वेश्चन उठ उठ के आते हैं NCERT के, प्रीवियस ईयर के, रेयरली कभी कभी नया क्वेश्चन आता है, समझ लो सब देखे देखे होते हैं, हार्डली वैल्यू चेंज होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 6 मार्कर, अरे ये तो हो जाएगा। गलती ज़्यादातर यहाँ पर निकल के आती है कभी कभी, क्योंकि इनको हम उतना सीरियसली नहीं लेते, सिंगल मार्कर हैं, गलती से कोई टफ आ गया तो 1 मार्क वहीं कट गया, ठीक है, या फिर इधर स्टेप मार्किंग में कट गया। तो इन्होंने क्या करा यार, नंबर ऑफ ये जो क्वेश्चन है ये बढ़ा दिए, ये क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो अब आप यार किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, 20 क्वेश्चन है मतलब हर चैप्टर में से उठ उठ के ये आ रहे होंगे। तो इसलिए यार मैं मैथ्स में आपको कभी नहीं बोलता कि यार आप शुरुआत के ये 8 चैप्टर कर लो, आपके इतने नंबर पक्का आ जाएंगे, नहीं, इसमें पूरी किताब करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अभी हम आगे और बात करेंगे, अभी पहले चेंज इन पैटर्न बात कर लेते हैं। तो इस बात की हमें फील आ गई, भैया इस साल हमें पेपर ख़त्म करने में कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, पेपर इस साल जल्दी ख़त्म हो रहा होगा। लास्ट साल वाले बच्चे क्या है, भाग रहे होते थे, मैथ्स का पेपर बड़ा है, मैथ्स का पेपर बड़ा है, आपके लिए लाइफ काफ़ी आसान हो गई, क्या हो गई, आसान हो गई।
कुछ बच्चों का भाई यहाँ पे डाउट था कि यार ये किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो यार ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। क्या इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं यार, एमसीक्यू नहीं होंगे। ऐसी एज सच कोई न्यूज़ तो नहीं आई है कि भाई सीबीएसई के थ्रू कि मैथ्स के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताया गया है। ओके, अब हम बात करेंगे कि यार आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जहाँ पे गधा पहलवान है, मतलब आपका घोड़ा होना ज़रूरी नहीं है, इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्क मैटर करता है। आपने कितनी बार एनसीईआरटी सॉल्व करी है वो मैटर करा है, कितनी बार क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर वाले प्रैक्टिस किए हैं वो मैटर करता है। तो सिंपल लाइन में अगर समझाऊं यार आपको, अगर आपको सिर्फ मैथ्स में 80% स्कोर करना है, परसेंट मार्क्स नहीं बोल रहा, सिर्फ 80% स्कोर करना है, तो आपकी एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। कितना ही डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए, मिनिमम 80% तो पक्का स्कोर करोगे, हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए। अगर आपको 95% तक स्कोर करना है तो अपनी एनसीईआरटी कंठस्थ कर लो, और आपके जो पिछले 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंठस्थ कर लो, तो आपके मिनिमम 95% आएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। और अगर आपको गारंटी करना है कि यार मेरे को तो 100% फोड़ने ही फोड़ने हैं, तो उस केस में यार आपकी एनसीईआरटी प्लस आपकी आरडी शर्मा। अब यहाँ पे आप आरडी शर्मा भी कर सकते हो, आरएस अग्रवाल भी कर सकते हो, एक एग्जाम्पलर भी है, पर मैं बोलूँगा यार आरडी शर्मा करना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर यार आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी मार्क्ड होते हैं, तो वो मिस नहीं होते और वो आज के दिन ज़रूरी हैं। दो दो तीन तीन क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाते हैं जो कि आपके एग्जाम्पलर से उठाए हुए होते हैं, तो आप आरडी करोगे तो साथ साथ में प्रैक्टिस होती आएगी, और उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यार थोड़ी मोटी है वो, और मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। और मोटी का मतलब यूँ नहीं यार कि डर जाओ, ना ना ना, इनफैक्ट आप में से काफ़ी बच्चों को डाउट होता है भैया मैं एनसीईआरटी पहले करूं फिर आरडी शर्मा से चैप्टर पढ़ूं, या पहले आरडी शर्मा से चैप्टर पढ़ूं फिर एनसीईआरटी करूं। तो यार मैं क्या करता था वो आपको बता देता हूं, मैं आरडी शर्मा पढ़ लेता था, ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक में भी समझाया हुआ है, पर आरडी शर्मा बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, लेवल बिल्ड करता है, लेवल बिल्ड करता है, और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखाता है, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती है, साथ में एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, तो एक कंप्लीट होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन हो जाती है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में। और एक बार मेरी आरडी शर्मा हो जाती थी उसके बाद मैं एनसीईआरटी का वो चैप्टर खोलता था और ऊपर से देखता था, तो लगभग सारे क्वेश्चन टिक 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 हो जाते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आरडी शर्मा में होते हैं, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आरडी शर्मा में होते हैं, प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आरडी शर्मा में होते हैं, तो इसलिए वो कर ली तो मतलब बहुत तगड़ी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना यार, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मान लो एक चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन है, तो आप करोगे पहली बार में 100 के 100 करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसमें यार टिक करते रहना, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा टफ लगा तो 100 में से आपने 25 क्वेश्चन पे स्टार मार दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो उन 25 क्वेश्चन को ही रिवाइज करो, समझ रहे हो, सकता है 25 की जगह 50 हो, आपको चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगा तो आपने 50 मार्क कर दिया, कोई बात नहीं, अब उन 50 को ही प्रैक्टिस करो, सेकंड राउंड में 2 स्टार बना दो जो आपको और अच्छे लग रहे हैं, तो अब जब थर्ड राउंड में आओगे तो आपने जो 10-15 क्वेश्चन अब सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उनको सॉल्व करोगे। ऐसे करते करते हर चैप्टर के सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए यार लास्ट में जाके जो आप पेपर से पहले रिवाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, आपने स्टार लगा रखे कि यार ये क्वेश्चन मैंने रिवाइज कर लिया मतलब मेरे सारे पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, ये 10 क्वेश्चन मैंने रिवाइज कर लिया मतलब मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो आपको इस स्टेज पे ऐसे ऊपर की तरफ अपना हर चैप्टर लेके आना है, ये चीज समझ में आ गई। भैया आरडी शर्मा बहुत मोटी है तो उसको कैसे करना है यार, उसके जो सॉल्व एग्जांपल होते हैं हर चैप्टर के अंदर उनको सबको प्रैक्टिस करो, और जो एक्सरसाइज के अंदर आपके एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हो गया या फिर आपके प्रीवियस ईयर वाला कोई क्वेश्चन हो गया, हर क्वेश्चन के आगे लिखा होता है एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई 2010, सीबीएसई 2000। अब यार कुछ चीजें हैं जो कि हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं और अगर आप उन्हें करते हो तो कुछ फायदा होगा आपको। पहला ये कि जब भी आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी अगले 24 घंटे के अंदर ही उसका आप सॉल्यूशन लेके आओ, ठीक है, चाहे आपको टीचर से पूछना पड़े, दोस्त से पूछना पड़े, ट्यूशन लगवाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, और 24 घंटे के अंदर ही आप उस डाउट को रिजॉल्व करो, क्योंकि जिस चीज में हम अटकते हैं ना और हमें कोई चीज वो समझा देता है तो वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है। फिर दूसरी चीज ये
कि जो जो चीजें आपको टफ लगती है ना कि यार ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े टफ हैं, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन बड़ा टफ है, तो उनको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया करो। मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपने बात कर लिया यार वो उसका वो क्वेश्चन देखा, तो ये प्रैक्टिस करके देखा, ये हुआ है तेरे से। तो जब आप बातें करते हो, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करते हो, तो वो जो मेमोरी में छपता है ना यार, वो आदमी भूलता नहीं है। ठीक है, आपने एक बार दोस्त के साथ डिस्कस कर लिया, अब आप बोर्ड एग्जाम तक उस चीज को नहीं भूलने वाले। तो अगर आप हर दिन ऐसे करते करते एक एक दो दो क्वेश्चन रोज डिस्कस कर लिया, कभी टीचर से डिस्कस कर लिया, कभी दोस्त से डिस्कस कर लिया, तो पूरे साल में ऐसे आपके 500, 600, 700 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि मतलब आपको यूं धड़ाम से याद आएंगे। तो यार अब आपको अपना एक एनवायरमेंट खुद का बनाना पड़ेगा, ठीक है, खुद का आपको एक एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा। आज के दिन यार डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हमारे टाइम में उतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, मेरे पास फोन नहीं था, मेरे दोस्तों के पास फोन नहीं था, हम अपने पेरेंट्स के फोन यूज करते थे, ठीक है, इंटरनेट उस टाइम नहीं आया था, जियो आया था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो 12वीं तक जियो भी नहीं आया था, तो हम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते थे। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन टीवी होती थी, समझ रहे हो, उस टाइम में आज से 4-5 साल पहले, तो टीवी मैंने बंद करा दिया था। तो ज्यादातर बच्चे आज के दिन इसलिए नहीं पढ़ पाते, डिस्ट्रैक्ट हो गए, नेटफ्लिक्स पे कुछ आ रहा है, हॉटस्टार पे कुछ आ रहा है, ठीक है, ये देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ। नहीं यार, आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। आप जो दिमाग में डालोगे ना यार, एक दिमाग मशीन की तरह, जितना जो डालोगे वही निकल के आने वाला है, जो डालोगे वही निकल के आने वाला है। अगर आप घर में आवाजों में देख रहे हो यार कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं, ठीक है, उससे आपको फर्क पड़ रहा है, या फिर भाई कुछ कर रहा है उससे आपको फर्क पड़ रहा है, मेरे दोस्त ने मेरे को ये कह दिया उससे आपको फर्क पड़ रहा है, ठीक है, कॉलेज के अंदर ये हुआ, वो लड़की मेरे को देख रही थी क्या, ये सारी जो चीजें हैं यार, ये दिमाग को हिला देती हैं, ठीक है। हमारे दिमाग के अंदर 60,000 थॉट्स आती हैं एक दिन के अंदर। अगर आप ये सारा कचरा अपने दिमाग के अंदर घुसाओगे, तो वही पूरे दिन दिमाग के अंदर चलता रहेगा, उसने ये कहा था, इसने ये हुआ था, कल ये करूंगा, पिछले ये हुआ था ना। पर अगर आप इन सबको काट दोगे, ये सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही काट दोगे, ठीक है, 5-10 दिन के लिए तड़प होगी कि मेरा फोन कहाँ चला गया, या फिर फोन रख लो, वही रखना है तो ठीक है, पर मेरा नेटफ्लिक्स क्यों नहीं गया, मैं पबजी क्यों नहीं खेल पा रहा, मैं दोस्त से बात कर लेता हूँ, या फिर फेसबुक पे क्या चल रहा है, ठीक है, इनसे दूर रहना पड़ेगा यार, ये त्याग देना पड़ेगा। जब लोहा तपाते हो ना, लोहे को गर्म करते हो, तभी आप उसको शेप दे पाते हो, ठीक है। तो ये आपका वो फेज है जहां पे आप एक शेप लेने वाले हो, अपने आप को बिल्ड करने वाले हो। हमेशा यार आदमी का सबसे बड़ा जो रिग्रेट है ना, गिल्ट, वो मारता है आदमी को कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम वो चीज कर ली होती। गिल्ट मत देना यार अपने आप को, उससे बड़ी बैड ट्रिप किसी चीज की नहीं होती, समझ लो। कल को यार मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि यार मैं 11th-12th में इतना सीरियस नहीं था, दोस्तों में फंस गया, मैं उस लड़की के पीछे फंस गया, मैं टीवी के अंदर फंस गया, मैं पबजी के अंदर फंस गया, ठीक है। काफी लंबा लेक्चर हो गया, मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाना था, मैं थोड़ा आगे लेके खींच गया, पर यार ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप एक पन्ना लो और उसके ऊपर यार अपने सपने लिख लो कि यार मेरे को जिंदगी में ये चीजें करनी है, छोटा नहीं बड़ा सोच, जिंदगी में मेरे को ये सारी चीजें करनी है, और उसको टेबल के आगे लगा लिया करो। तो जब भी आप कभी टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर, देखो यार शॉर्ट टर्म चीजें होती है ना, उनसे सुकून मिलता है, एक होता है शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट, ठीक है, देख लो यार मेरे को फेसबुक में किसने लाइक किया, मैंने फोटो डाली थी, और एक होती है लॉन्ग टर्म इंजॉयमेंट, ठीक है, जो आपको एक टाइम के बाद मिलेगी, आप कुछ मेहनत करोगे फिर आपको वो सक्सेस मिलेगी। आपके जब 12वीं में बोर्ड एग्जाम आएंगे और आपकी रिपोर्ट कार्ड के ऊपर उस पर लिखा होगा 97%, वो जो खुशी होगी ना यार, वो टेम्पररी नहीं होगी, ठीक है, मतलब वो आप लाइफ टाइम उसे एक प्राइड की तरह पहन के घूमने वाले हो। लोग कहते हैं 12वीं के नंबर कहाँ किसको दिखाओगे, अरे आप खुद देखते हो यार उसको। लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि आपके डाउनफॉल्स भी आते हैं, कल को जॉब कर रहे हो, डाउनफॉल्स आते हैं, तो यही छोटी मोटी चीजें जो आपके अचीवमेंट्स हैं, वो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं कि यार मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, कोई नहीं आज बुरा दिन है तो क्या हुआ, मैं इसको फाइट बैक कर लूंगा, ठीक है, मैं इससे बुरी बुरी चीजें करिए ये भी फोड़ दूंगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉलेज एडमिशन के लिए नहीं, आपको बिल्ड करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, ठीक है, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, और ठीक है।